हेलो स्टूडेंट्स वेलकम अगेन आज के अपने इस क्लास में हम रेक्टेंगुलर वेव गाइड के लिए कट ऑफ फ्रिक्वेंसी या कट ऑफ वेव क्या होता है उसे डिस्कस करेंगे ओके okay? हमने अपने प्रीवियस वीडियो में वेव गाइड का इंट्रोडक्शन वेव गाइड में किस तरह से वेव प्रपोगेट करेगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कौन कौन से मोड पॉसिबल हैं टी ई एम वेव प्रपोगेशन मेथड जो है वो रेक्टेंगुलर होलो रेक्टेंगुलर वेव में पॉसिबल नहीं है टी ई या टी एम मोस्ट ऑफ द टाइम जो हम मोड प्रेट करवाते हैं रेक्टेंगुलर वेव गाइड में वो हमने डिटेल में पढ़े थे और उनके लिए डिफरेंट हमने जब डेरीवेशंस उनकी जनरल वेव इक्वेशन जब हमने डिराइव की थी तो हमने ये कंक्लूज़न निकाला था कि रेक्टेंगुलर वेव गाइड में ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड जिसका कि स्पेसिफिकेशन एम एन एम और एन का क्या सिग्निफिकेंस है ये हम अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं तो टी ई एम एन और टी एम एम एन ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड दोनों ही मोड में अगर वेव प्रपोगेट कर रही है तो उस केस में जनरल वेव इक्वेशन में हमने प्रपोगेशन कांस्टेंट गामा डिफाइन किया था गामा इज डिफाइंड एज अंडर रूट ऑफ एम पाई बाई ए का स्क्वायर प्लस एन पाई बाई बी का स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर म्यू ई ओके ये अगर आप एक सिंपल रेक्टेंगुलर वेव गाइड अगर आप आ, अभी के लिए कंसीडर कर रहे हैं तो उसमें जिसकी लेंथ ए और विथ अगर आप बी लें ठीक है और उसमें अगर आप ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी की अगर आप वेव उसमें ट्रांसमिट करवाते हैं इसमें फिल किए गए मीडियम की परमिटिविटी और परमिबिलिटी अगर म्यू और ई e है ये ओमेगा किसकी है जो आपने वेव की फ्रिक्वेंसी है जो आप इसमें ट्रांसमिट करवा रहे हैं म्यू ई e जो है वो आपके मीडियम के स्पेसिफिकेशन है जो मीडियम आपने इस वेव गाइड में फिल किया है ओके okay? और ए और बी इस स्ट्रक्चर के स्पेसिफिकेशंस है एम और एन जो मोड इसमें प्रपोगेट कर रहा है उस मोड की स्पेसिफिकेशन है अगर ए के अक्रॉस हाफ वेवलेंथ पैटर्न कंप्लीट हो रहा है तो एम विल बी वन और अगर बी के अक्रॉस हाफ वेवलेंथ पैटर्न कंप्लीट हो रहा है वेव पैटर्न में तो एन विल बी बन तो एम और एन है ए और बी के अक्रॉस कितने हाफ वेव लेंथ पैटर्न कंप्लीट हो रहे हैं उस स्पेसिफिक मोड के लिए ठीक है तो ये अगर स्पेसिफिकेशंस हैं तो इन स्पेसिफिकेशंस के साथ ये आपका प्रोपोगेशन कांस्टेंट रहेगा अगर ये प्रोपोगेशन कांस्टेंट है तो कुछ टेक्सट बुक्स में ओमेगा स्क्वायर म्यू ई को के स्क्वायर से भी लिखा गया है तो इसको आपको बहुत सारे टेक्स बुक्स में ये ऐसे भी मिलेगा गामा इज डिफाइंड एज अंडर रूट ऑफ एम पाई बाई ए का स्क्वायर प्लस एन पाई बाई बी का स्क्वायर माइनस के स्क्वायर के स्क्वायर इज सिंपली उमेगा स्क्वायर म्यू ई या हम इसे लिखते हैं के इज उमेगा अंडर रूट म्यू ई ये भी आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा तो दे बोथ आर सेम थिंग ये जनरलाइज एक्सप्रेशन है और इसी एक्सप्रेशन पे बेस्ड डिफरेंट मोड ऑफ प्रोपोगेशन इस वेव गाइड में पॉसिबल है ठीक है इस वेव गाइड की कट ऑफ फ्रिक्वेंसी क्या है कट ऑफ फ्रिक्वेंसी को अगर हम टेक्निकल डेफिनेशन दें तो ये वो फ्रिक्वेंसी है जिससे नीचे की फ्रिक्वेंसी का अगर वेव आप इसमें फीड करेंगे तो वो वेव इस वेव गाइड में ट्रेवल नहीं कर पाएगी हैवी अटेन्युएशन या लार्ज अटेन्युएशन के साथ वो बहुत कम टाइम में बहुत कम डिस्टेंस पे वो डिके हो जाएगी तो एफ सी जिसे कि हम कट ऑफ फ्रिक्वेंसी ठीक है एफ सी हो सकता है एफ सी के साथ साथ आपका ओमेगा सी हो सकता है एंगुलर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी एज वेल एज कट ऑफ वेव लेंथ लैम्डा सी ये सब आपस में को रिलेटेड है ठीक है तो ये सब एक ही डेफिनेशन को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करने के मीडियम है एफ सी वो मिनिमम फ्रिक्वेंसी है जो इस वेव गाइड में प्रपोगेट करेगी एफ सी से नीचे की फ्रीक्वेंसी इसमें प्रपोगेट नहीं करती है एफ इक्वल्स टू एफ सी पे प्रपोगेशन स्टार्ट होता है और एफ इज ग्रेटर देन एफ सी पे बहुत कम अटेन के साथ आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्रंट एंड से लास्ट एंड तक पहुंच जाती है ठीक है तो ये हुआ बेसिक डिस्कशन कि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है कट ऑफ फ्रिक्वेंसी इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फ्रीक्वेंसी दैट कैन ट्रेवल अक्रॉस द डिज़ाइन रेक्टेंगुलर वेव गाइड जो आपने रेक्टेंगुलर वेव गाइड डिजाइन कर ली है उसमें कौन सी फ्रिक्वेंसी ट्रेवल कर सकती है ओके okay? तो इस बेसिक डेफिनेशन के बाद हम मैथमेटिकली देखते हैं कि क्या फ्रीक्वेंसी रेंज जो है वो इस वेव गाइड में ट्रांसमिट हो सकती है और कौन सी फ्रिक्वेंसी रेंज जो है वो अटेनवेट हो जाएगी और ट्रांसमिट नहीं करेगी यहाँ पे आप ये देखिए कि आपने प्रपोगेशन कांस्टेंट को ऐसे डिफाइन किया प्रपोगेशन कांस्टेंट का जनरलाइज फॉर फॉर्मूला क्या रहता है गामा इज एल्फा प्लस जे बीटा ये है अटैनुएशन कॉन्स्टेंट जो वेव को लेंथ के अकॉर्डिंग डिके करता है ये है फेज कॉन्स्टेंट जो वेव प्रपोगेशन को रिप्रेजेंट करता है कि हर मीटर पर कितना रेडियन चेंज आ रहा है वेव के फेज में तो यह है फेज़ कांस्टेंट दैट इज डिफाइंड बाय रेडियन पर मीटर यह है आपका अटैनुएशन कांस्टेंट दैट इज डिफाइंड बाय नेपर पर मीटर और डीबी पर मीटर ओके जो भी आपको स्पेसिफिकेशंस दी हुई है तो ये वेव के लॉसेस को रिप्रेजेंट करता है और ये वेव प्रपोगेशन को रिप्रेजेंट करता है अब आप एक बात ध्यान दीजिए कि ये जो हमारा जनरल एक्सप्रेशन है उस एक्सप्रेशन में फर्स्ट केस क्या हो सकता है फर्स्ट केस आपका ये हो सकता है कि आपका ये जो एक्सप्रेशन है और इसे अगर आप के स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं अगर केस वन हम डिस्कस करें केस के एम पाई बाय ए स्क्वायर प्लस एन पाई बाई बी ग्रेटर देन ओमेगा स्क्वायर म्यू अगर ये आपका जो एक्सप्रेशन है इस एक्सप्रेशन से अगर ये लार्जर है ये टोटल ये क्या है ये कौन ये मोड कौन सा ट्रेवल हो रहा है और ये क्या डायमेंशन रेक्टेंगुलर वेव गाइड की है आप किस मोड में किस फ्रीक्वेंसी को ट्रांसमिट करवा सकते हैं वो सब आपकी रेक्टेंगुलर वेव गाइड डिजाइन की गई उसका मीडियम और लॉन्च की जाने वाली वेव पे डिपेंड करता है वेव फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करता है तो अगर ये एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन से बड़ा हो तो क्या होगा गामा इज अ रियल नंबर गामा इज अ रियल नंबर ओके ये अगर एक्सप्रेशन बड़ा हो जाएगा इससे तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे आप इसे लिखेंगे आ, गामा ऐसे लिखे ना गामा इक्वल्स टू आप अगर इसको एक्सपेंड करेंगे तो गामा इज रियल नंबर सो गामा इज इक्वल्स टू एल्फा बीटा इक्वल्स टू ज़ीरो आप इस एक्सप्रेशन में एक रियल और एक इमेजनरी दो क्वांटिटीज कैलकुलेट करते हैं इफ़ गामा इज़ अ कंप्लीट रियल नंबर दैट मींस इमेजनरी पार्ट इज ज़ीरो इमेजनरी पार्ट अगर ज़ीरो है तो इट मींस देर इज ओनली अटेन्यूएशन। अगर ये केस है इस केस में अगर सारी जो आपकी सिचुएशंस हैं वो ऐसी अराइज हो रही है तो इस केस में देर इज ओनली अटैनुएशन ओनली

अगर ये वेव डिस्टेंस के साथ चेंज हो रहे है उसका फेज अगर चेंज हो रहा हो यहाँ ये जीरो डिग्री पे है थोड़ी देर बाद अगर ये इस तरह से हो तो आप ही बोलेंगे कि आपकी वेव मूव कर रही है इफ़ देर इज नो फेज चेंज यू विल सिंपली कंक्लूड देर इज नो वेव प्रपोगेशन इट इज हाईली बींग अटेनुएटेड अलॉन्ग द डिस्टेंस एंड देर इज नो वेव रीचिंग ओवर द लास्ट एंड ठीक है और इस केस को इस केस में जब ये सिचुएशन हो उस केस में आप इसे इवेंसेंट मोड बोलेंगे और इवेंसेंट uh, मोड में देर इज नो वेव प्रपोगेशन ओके और यहाँ पर हम लिख सकते हैं अगर हम इसको कंक्लूड करें टेक्निकली उमेगा स्क्वा विल भी लेस देन एम पाई बाई ए स्क्वा प्लस एन पाई बाय बी स्क्वायर दैट ऑल्सो कंक्लूड्स उमेगा इज लेस देन वन बाय under root mu e m pi by a square plus n pi by b square under root okay that also concludes that also concludes f is less than 1 upon 2 pi under root mu e m pi by a square plus n pi by b square under root तो यहाँ पे अब हम आते हैं कि सेकंड को स्टडी करते हैं कि सेकंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है इफ ओमेगा स्क्वायर म्यू ई इक्वल्स टू एम पाई बाय ए स्क्वायर प्लस एन पाई बाय बी स्क्वायर अगर इस तरह से आपका कंडीशंस बन जाती हैं तो गामा इक्वल्स टू ज़ीरो अल्फा इक्वल्स टू जीरो बीटा इक्वल्स टू ज़ीरो

बट इट ऑल्सो सेज दैट अबाउट दिस फ्रिक्वेंसी रेंज द वेव विल स्टार्ट टू परपोगेट इन द रेक्टेंगुलर वेव गाइड तो ये वो लिमिट uh, है या वो आप ऐसे बोलेंगे कि बाउंड्री लिमिट है फ्रीक्वेंसी रेंज की जो आप इसमें ट्रेवल करवा सकते हैं और इस फ्रीक्वेंसी को हम कट ऑफ फ्रिक्वेंसी बोलते हैं एफ सी जिसे कि हम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी डिफाइन करेंगे दैट इज नथिंग बट एफ सी इक्वल्स टू वन अपॉन टू पाई अंडर रूट म्यू ई एम पाई बाय ए स्क्वायर प्लस एन पाई बाय बी स्क्वायर अंडर रूट ओके ये आपकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है जिस फ्रिक्वेंसी के बाद देर स्टार्ट्स अ -E और टी एम एम एन मोड एम एन मोड वो पर्टिकुलर ये ये जो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है ये एक मोड के लिए ठीक है जो मोड आप ट्रांसमिट करवाना चाहते हैं अगर आप टी एम एम एन मोड ट्रांसमिट करवाना चाहते हैं आपके वेव गाइड की जो स्पेसिफिकेशन्स हैं वो ए और बी है मीडियम की स्पेसिफिकेशन्स ये है तो आपको मिनिमम इस फ्रिक्वेंसी की वेव जो है वो यहाँ पे लॉन्च करनी होगी या इससे ज़्यादा कर सकते हैं लेकिन अगर आपने एफ़ इज लेस देन एफ सी रखा तो वो स्पेसिफिक मोड जो है वो इस वेव गाइड में ट्रेवल नहीं करेगा सो कट ऑफ फ्रीकवेंसी इज डिपेंडेंट ओवर द मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो आप मोड उसमें ट्रांसमिट करवाना चाहते हैं डिजाइन ऑफ रेक्टेंगुलर वेव गाइड ए और बी क्या है एज वेल एज मटीरियल ऑफ रेक्टेंगुलर वेव गाइड जो आपने मीडियम जो आपने इसमें फिल किया है ओके आई थिंक इट्स क्लियर टू यू अब अगर केस थ्री हम डिस्कस करते हैं, अगर हम केस थ्री डिस्कस करें और केस थ्री में अगर आपका ओमेगा स्क्वायर म्यू इज म्यू ई इज ग्रेटर देन एम पाई बाई ए स्क्वायर प्लस एन पाई बाय बी स्क्वायर अगर ये क्वांटिटी इससे बड़ी होगी तो गामा विल बी अ इमेजनरी नंबर ये जो आपका है ये नेगेटिव uh, पार्ट इससे बड़ा हो जाएगा नेगेटिव पार्ट के इससे बड़ा होने से आप गामा जब कैलकुलेट करेंगे तो गामा इज जे बीटा ओके रियल नंबर नहीं आएगा अल्फा विल बी जीरो ओके okay? और देर विल बी वे प्रपोगेशन और अगर वेव प्रपोगेट हो रही है तो आप फ्रंट एंड से लास्ट एंड तक अपनी वेव को रिसीव कर सकते हैं सो इफ यहां पे देखें इफ एफ इक्वल्स टू एफ इज ग्रेटर देन इफ एफ इज ग्रेटर देन वन अपॉन टू पाई ओमेगा मैं सीधा एफ लिख रही हूं म्यू ई एम पाई बाई ए स्क्वायर प्लस एन पाई बाई बी स्क्वेर अंडर रूट देन योर वेव इज प्रपोगेटिंग इन दिस रेक्टेंगुलर वेव गाइड विद द जीरो अटैन्यूशन एंड दिस मोड इज डिफाइंड एज ए पोपोगेसन मोड और जहाँ पर ये वेव प्रपोगेट करना शुरू करेगी जिस फ्रिक्वेंसी के बाद उसे हम कट ऑफ मोड बोलते हैं इसे भी आप लिख सकते हैं अपने रेफरेंस के लिए एफ सी इक्वल्स टू वन अपॉइंट टू पाई अंडर रूट म्यू ई एम पाई बाय ए स्क्वायर प्लस एन पाई बाय बी स्क्वायर अंडर रूट इस फ्रीक्वेंसी को हम कट ऑफ फ्रिक्वेंसी क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं एम एन मोड के लिए और इफ़ एफ इज ग्रेटर देन एफ सी दिस इज़ अ प्रपोगेशन मोड एंड योर वेव इज ट्रेवलिंग फ्रॉम फ्रंट एंड टू लास्ट एंड विदाउट एनी अटेन्यूएशन तो यहाँ पे आई थिंक आपको समझ में आ कट ऑफ फ्रिक्वेंसी को डिस्कस करने के बाद हम कट ऑफ वेव को भी डिस्कस कर लेते हैं ओके okay? अगर हम किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए टी एम या टी ई एम एन मोड के लिए कट ऑफ वेव लेंथ डिफाइन करें तो वो क्या होगी दैट विल बी वी बाय अगर हम एफ सी एफ सी अगर अगर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी अगर आपकी फ्रीक्वेंसी अगर एफ सी है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपकी कट ऑफ वेव लेंथ विल बी वी बाय एफ सी वी क्या है वी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इस मीडियम में वेलोसिटी ये मीडियम एयर हो सकता है ये मीडियम कोई डाईलैक्ट्रिक मटेरियल हो सकता है तो वी इज वन अपॉन अंडर रूट म्यू ठीक है यही रहती है हमने यूनिफॉर्म प्लेन वेव की किसी मीडियम में वेलोसिटी पढ़ी थी तो वी को अगर आप वन अपॉन अंडर रूट म्यू ई लिखते हैं और एफ सी को अगर आप और लिखते हैं एफ सी क्या है हमारी वन अपॉन टू पाई तो टू पाई अंडर रूट म्यू ई और यहाँ पे आप लिखेंगे एम पाई बाय ए स्क्वायर प्लस एन पाई बाय बी स्क्वायर अंडर रूट ये हुआ ना ये मैंने लिखा वी और ये मैंने लिखा एफ सी अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो लेमडा सी इज नथिंग बट टू अपॉन एम बाई ए स्क्वायर प्लस एन बाई बी स्क्वायर अंडर रूट ओके तो टी ई एम एन और टी एम एम एन मोड के लिए जो कट ऑफ वेवलेंथ होगी वो आपकी इस तरह से जनरलाइज एक्सप्रेशन होल्ड करेगी यहां पे आपको एक बात ध्यान देनी है कि अगर एफ इज ग्रेटर देन एफ सी पे अगर वेव प्रपोगेट होती है तो ए लेमडा लेमडा शुड बी लेस देन लेमडा सी टू द वेव प्रपोगेशन अक्रॉस दिस वेव गाइड ओके ये वो लार्जेस्ट पॉसिबल वेवलेंथ है जो वेवलेंथ इस वेव गाइड में ट्रेवल कर सकती है एफ शुड बी ग्रेटर देन एफ सी लेमडा शुड बी लेस देन लेमडा सी फॉर द पॉपुलेशन मोड। तो यहाँ पे इस कंक्लूजन से आप एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं वेव गाइड्स वेव गाइड्स आर ई पास फिल्टर्स ओके ये बहुत इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन है जो आपको मल्टीपल टाइम्स मिलेगा अगर आप ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस तरह के स्टेटमेंट्स बहुत आते हैं इन पे जो अभी हमने डिस्कशन किए हैं इन पे हर लाइन पे न्यूमेरिकल बन सकता है फॉर्मूला पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट आंसर करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा सकता है यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि जो वेव गाइड है वो किस तरह से बिहेव करती है तो वेव गाइड इज ऑलवेज अ हाई पास फिल्टर कैसे हाई पास फिल्टर का अगर आप ट्रांसफर फंक्शन ड्रॉ करें तो क्या होगा हाई पास फिल्टर अपनी एक कट ऑफ फ्रिक्वेंसी से नीचे बहुत हाई अटेनशन देता है एंड देर इज नो वे प्रोगेसन और अपनी क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी के बाद इसका जो गेन है वो एक हम ऐसा मानते हैं कि कॉन्स्टेंट वैल्यू जो है वो उसकी आ जाती है एफ इक्वल्स टू एफ सी से नीचे इट विल प्रोवाइड अ ज़ीरो गेन एंड एफ एफ इज हायर देन एफ सी इट विल प्रोवाइड अ यूनिटी और अ कॉन्स्टेंट गेन टू द इनकमिंग सिग्नल तो ये हो गया है आपका हाई पास सिग्नल का ट्रांसफर फंक्शन और यही ट्रांसफर फंक्शन वेव गाइड के लिए भी होता है इस जोन में कोई प्रपोगेशन नहीं है और आपकी वेव जो है वो अटेनवेट हो जाएगी और इस जोन की फ्रिक्वेंसी को वो अलाउ करेगी ट्रांसमिट होने के लिए ओके तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कट ऑफ वेवलेंथ क्या है आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी अब इससे रिलेटेड नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कि डोमिनेंट मोड क्या होता है वो हम अपने अपकमिंग वीडियो में डिस्कस करेंगे कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग थैंक यू